वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल अपडेट है। अपडेट ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लॉगिंग आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो चुका है, सब लोग ब्लॉग कर रहे हैं, फैशन ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, मोटो ब्लॉग। तो उसी को लेकर मैंने जैसा अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं है, बट मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी जो सेल चल रही थी अमेजोन फ्लिपकार्ट की, कि मैं एक कैमरा ले लेता हूँ, कोई DSLR या कोई प्रोफेशनल ऐसा कैमरा नहीं, बट नॉर्मल एक एक्शन कैमरा जो कि मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, बाइकिंग के लिए यूज़ होता है, स्पोर्ट्स या एडवेंचर के लिए यूज़ होता है। तो मैंने सोचा कि मैं वही ले लेता हूँ, चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अमेजोन से वो मंगा लिया, कुछ 6,000 रुपये का मुझे पड़ा। तो उसके बाद जब मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी तो एक्सेसरीज सारी थी, कैमरा भी था, बट कैमरा वर्क नहीं कर रहा था ढंग से। मतलब ऑन हो रहा था, उसमें मैंने 2GB का मेमोरी कार्ड डाला था जो कि सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि अगर मैं डालता हूँ तो क्या पता चल जाए, बट वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक बारी को एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था कुछ 5-6 सेकेंड का, बट स्लो मोशन मैंने ट्राई किया था, बट वो नहीं चला उसके बाद फिर कैमरा। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब उसको 64GB के मेमोरी कार्ड से, जो कि सेलर ने कहा था कि वही सपोर्ट करेगा क्लास 10 का, तो मैंने उससे ट्राई किया तो भी कैमरा नहीं चला। ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, ना ही कैमरा से फोटो खींच रही थी, ना ही एप्लीकेशन के साथ मेरा फोन कनेक्ट हो रहा था। मैंने उसको 2 फोन से कनेक्ट किया, मेरे फोन से कनेक्ट हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने अपनी मम्मी के फोन से कनेक्ट किया तो वो हो गया था। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग और जैसे वो काम नहीं कर रहा दोनों की वीडियो बनाई है, एक बार आप देख लो। ओके सो गाइस, दिस इज द कैमरा एंड दिस इज द मेमोरी कार्ड। एज यू कैन सी मैंने दोनों का ट्राई किया, मतलब मैं इसमें अगर मेमोरी कार्ड डाल देता हूँ आपके सामने तो 64GB क्लास 10 है। और जैसा कि मैंने कैमरा लेने के पहले ही अमेजोन के क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में सेलर से पूछ लिया था, सेलर ने कहा था कि इट सपोर्ट्स क्लास 10, इट्स बेटर इफ यू टेक अ क्लास 10 मेमोरी कार्ड देन इट वुड बी ग्रेट, बट दिस वन आल्सो इज नॉट सपोर्टिंग। लेट्स टर्न दिस ऑन। सो
now you can see it is 4K 30 FPS and इसको अगर मैं अब कुछ कुछ भी करता हूँ जैसे कि मैं अगर ये ओके का बटन दबा रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है और अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये हो गया कैमरा मोड में बट सी स्टोरेज इज़ फुल एक्चुअली मैंने ऑर्डर इसी कैमरे के साथ ऑर्डर किया था बट जो मेमोरी कार्ड है वो पूरा खाली है एंड यहाँ पे जो है स्टोरेज फुल दिखा रहा है ये एक इशू है बेसिकली दूसरा नो फाइल इसको मुझे बार बार समय बाहर आ जाता पहले ये पहला इशू था अब दूसरा इशू क्या है मैं दिखाता हूँ उनको सो ये मैंने टर्न ऑन किया इसकी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं होता अब ये मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ अपनी एक मोबाइल से लाइक सी अभी मैं इससे कनेक्ट करता हूँ पहले ये व्लॉग एडिशन का ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था मैंने तो ये हो गया कनेक्ट ओके सो हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं अगर हमें कोई इमेज लेनी हो बट सी प्लीज़ चेक एसडी कार्ड एंड मैंने आपके सामने उसमें एसडी कार्ड डाला था वीडियो लेने का ट्राई करें प्लीज़ चेक एसडी कार्ड सेकंड इशू है ये और फोल्डर में अगर मैं चेक करूँ तो कुछ भी नहीं है फ़ोन में भी नहीं है और कैमरा में भी नहीं है तो ये इससे कनेक्ट हो गया इस वाले फ़ोन से मेरे वाले फ़ोन से अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है ये तो इस वाले फोन से कनेक्ट करके देखा है तो भी कुछ नहीं हो रहा वीडियो आपने देख ली होगी वो कैमरा जैसे कि वर्क नहीं कर रहा था मैं उसको अभी रिटर्न कर चुका हूँ पहले तो मैंने अमेजोन पे कॉल किया तो वो कह रहे थे कि रिप्लेसमेंट हो सकता है मैंने खुद उनको एक ऑप्शन दिया अगर रिप्लेस करके दे दो क्या पता मे भी चल जाए बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बोला कि रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है सिर्फ रिफंड हो सकता है तो मैंने उसको रिफंड ही करा दिया और बाकी जिन दो दिनों में मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही थी मैंने गो नॉइस के कस्टमर केयर पे भी कॉल किया उन लोगों में से किसी ने भी मतलब नॉट उन्होंने हेल्प नहीं किया बट कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ उनका कस्टमर केयर का नंबर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मैं दो दिन से ट्राई कर रहा था बट नथिंग वॉज देयर नो रिस्पॉन्स वॉज फ्रॉम देयर साइड तो अभी वो रिटर्न हो चुका है अब या तो मैं मे बी सेम कंपनी का सेम ही कैमरा फ्लिपकार्ट से मंगाऊंगा मैं चेक कर लूंगा अगर वो चल जाता है तो या तो मैं किसी और कंपनी का कैमरा मंगाऊंगा क्योंकि वो जो कैमरा के जो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही थी स्टिल मैं चेक कर लूँगा जैसा भी होगा अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मेरे को कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए मतलब तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कौन सा कैमरा बढ़िया है आज की डेट में सेम ही मतलब छोटा वाला कैमरा DSLR अभी मैंने सोचा नहीं है बट अगर उसका भी कोई सजेशन है कि बिगिनर्स के लिए कौन सा बढ़िया है ब्लॉगिंग के लिए या फोटोग्राफी के लिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ और मेरे मैं थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में होगा सब बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी नया हूँ मैं फ़िलहाल तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही धीरे धीरे आएंगी वीडियो धीरे धीरे ट्रैवल व्लॉग्स बनेंगे Till then, see you next time and take care.